आप डेली जिसमें बर्तन में खाना खाते हो, बर्तन नहीं है वो, उसमें पॉइजन होता है, पॉइजन खाना इसमें बनता है, इसे कहते हैं बर्तन। कुछ लोग के पकाई में करते हैं लापरवाही क्योंकि उसमें लगते हैं पैसे, हम लोग पैसे का मुंह नहीं देखते हैं, प्योर मिट्टी, कोई केमिकल कुछ नहीं है, मजबूती देखो आप भाई, टूट जाएगा मत बजाओ। अरे नहीं मैडम टूटेगा नहीं, ये इतना हार्ड पका हुआ है, ये हम अच्छी चीज देंगे आपको, देंगे तो देंगे देंगे देंगे। क्यों बेवकूफ बना रहे हो कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनता है? मिट्टी के बर्तन में कौन सा खाना बनता है? मिट्टी के बर्तन में खाना क्यों नहीं बनता है? प्रॉपर बनता है और बनता आया है, पहले से बनता आया। जब कहते हैं कि साइंटिस्ट ना कुमारी हुआ करते थे जो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे, कुकर बनाया देखो, ये कुकर है, यस मिट्टी का भाई, ये चलेगा? मुझे लग नहीं रहा, देखे ये चलेगा, प्रॉपर चलेगा, बनाने का तरीका होना चाहिए, आपने बस खाली सावधानी से करना है, इसको कुछ नहीं है। इसमें आपको मेरे पास 5 लीटर का है, सब साइज मिलेंगे आप, ये देखो साइज, आप पूरा 5 लीटर, पूरा 5 लीटर, ये देखो आप मजबूती देखो आप भाई, टूट जाएगा मत बजाओ। अरे नहीं मैडम टूटेगा नहीं, ये इतना हार्ड पका हुआ है, ये इसकी रबड़ होती है, ये इसका ढक्कन हो गया और सीटी हो गई इसकी। आप एल्युमिनियम और स्टील में क्या दिक्कत है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मैडम जहर है, जहर जैसे गर्म होता है ना खाना उसके अंदर, तो उसमें केमिकल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हांडी है, ये देखो आप, ये प्रॉपर हांडी है, इसमें खाना आपका प्रॉपर बनेगा, ये फ्राई पैन नहीं है, मिट्टी का। भैया ये क्या लालन का चिराग है? ये देखिए ये लालन चिराग नहीं, ब्लैक हांडी है, ये ब्लैक, ये देखो आप, इसमें खाना प्योर मिट्टी, कोई केमिकल कुछ नहीं है, खाली स्टील की पत्ती रहती है, हैंडल रहता है, बाकी सब प्योर मिट्टी का ही है। जो मार्केटों में क्या हल्की बेचते हैं, पैसे डबल लेते हैं, हमारा काम नहीं है, हम चीजें हैवी देंगे आपको। इसमें आप कुछ ही बनाइए, वेज नॉन वेज पालक दाल, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि ये 4 हैंडल क्यों लगे इसके? अब ये बताइए कुकर का जो ढक्कन है, इसको गैस बनने के लिए, स्टीम बनने के लिए 4 की जरूरत है, अगर 3 रहेगा तो ढीला रहेगा, 2 रहेगा तो ढीला, 1 तो मतलब ही नहीं है। ये छोटी सी केतली भी दिख रही है मुझे। ये देखो हाँ केतली है, ये चाय रखते हैं, चाय इसके अंदर, चाय दूध कुछ भी रखिए आप, डेकोरेशन के लिए। अरे मैडम क्या बात करो, इसमें पूरा सेट मिलता है मेरे पास में, 6 कप केतली, और मेहमानदारी में रख दोगे तो आपको वाह वाह हो जाएगी। आप इसी को इस्तेमाल करते हो? जब बना रहे तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हांडी है, ये देखो आवाज देखो आप, स्टील के बर्तन नहीं टूटेगा, जो मर्जी बनाओ, साग बनाओ, आप अगर नॉन वेज हो गए नॉन वेज बनाओ, उसका स्वाद देखो आप, ये प्रॉपर हमेशा यूज होगा आपका, बस धो के रखना आपको बस सही से, और इस्तेमाल तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप असली स्वाद मिट्टी के बर्तनों के साथ कैसे इस्तेमाल करें, पूरा लिखा हुआ मैंने बाकायदा हिंदी में इंग्लिश में, आप किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, और नहीं दिक्कत आएगी आपको। ये देखो डिनर सेट थाली का, इसमें आप सब्जी दाल मिक्स वेज कुछ भी रायता चटनी के लिए गिलास, खाने का ये खिलौने वाला नहीं है। नहीं मैडम खिलौना बच्चों खिलौना नहीं है, ये आपके खाने के लिए है। ये देखो इसमें आप कुछ भी रख के खा सकते हैं, और मेहमानदारी करोगे 4 चांद लग जाएंगे आपके। जो मिट्टी विट्टी वाले यूज करते हैं ना लोग, उसे बोलते थे कि लो स्टैंडर्ड है, लेकिन अब जमाना बदल गया, अब क्या हाल है वो बताओ। मिट्टी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके तो बढ़िया हाल है, सिल्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जानते हो आप उनकी क्वालिटी क्या है, वो आए दिन तो डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, इसमें लगाएंगे आपके 50% बीमारी खत्म हो जाएंगी आपकी। तो मिट्टी का कुछ फायदा भी होता है मिट्टी के बर्तन? मिट्टी फायदा क्यों नहीं मैम, मिट्टी का फायदा इसलिए इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, शुद्ध है ये, इसमें जो भी खाना खाएंगे जो भी इसमें खाना बनाएंगे उसमें पोटेश आर रहेगा, आपकी शुद्धता रहेगी, कोई इसमें केमिकल कुछ नहीं है इसके अंदर, और खाने की जान रहेगी। आइए मैं आपको दोस्तों मेरे पास क्या क्या देखिए, मिट्टी का जग मिलेगा आपको, मिट्टी की बोतलें हैं, गर्मी के अंदर ये तोहफा है फ्रिज का, फ्रिज की जरूरत ही नहीं है, मिट्टी का तोहफा है ये। मिट्टी में चपाती बॉक्स, क्योंकि ये कह रहा है जो हमारी रोटी होगी ना वो सूखेगी नहीं, जैसे बनाओगे वैसी रहेगी, इससे मॉक्चर नहीं आएगा, ये मॉक्चर को पूरा खींच लेगा, इसे बोलते चपाती बॉक्स। तो भाई लेने के लिए आना खाऊंगा, एक बार जरा एड्रेस और नंबर बता दो अपना। दिल्ली में दरियागंज वर्धमान स्कूल के सामने माता जी मूर्ति केंद्र हमारी दुकान है।